सो भाई सीन हो गया कि टिकट अंदर जाने की, तो हम कोई अंदर नहीं जा रहे मेरी फैमिली से। क्या आज हम आए सूर्यदेव मंदिर अपना उड़ीसा में, उधर ऊपर जाना अलाउ नहीं है और ये भाई पत्थरों से बंद कर दिया गया किसी कारण। भाई हाथी के ऊपर क्या कलाकारी करी हुई है ना, हाथी के ऊपर कुछ है। उन्होंने ये बताया कि मंदिर इसलिए बंद करा गया है 2006, 8, 10, 12, 13, 13 दिन के 39, 39 से 2:30 भाई जो सूर्या गाड़ी बोलता है 6, 7:30, 9 बाकी टाइम बताया उन्होंने एकदम परफेक्ट। वो थोड़ा छाता ऐसा उल्टा उल्टा था तो टाइम एकदम सही बताया 11:09। तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। ऊपर तो सब बढ़िया भाई, स्वागत है आपका एक और नई सी वीडियो में। और थोड़ा गला खराब है उसको थोड़ा माइंड मत करना। बाकी आज हम आए सूर्यदेव मंदिर अपना ओडिशा में। पूरी से ये कम से कम 40 किलोमीटर दूर है और हमसे पर्स वाली उनने 180 रुपए लिया है, 200 बोल रहा था, फिर हमने 180 रुपए करवा लिया। उसके बाद हम आ चुके हैं सूर्यदेव का मंदिर और यहाँ पर सामने आपके दिख रहे हैं मंदिर है और मम्मी मेरे साथ चल रही है। हेलो हेलो। सो मम्मी और मैं घूम रहे अपने आराम से एंजॉय कर रहे हैं। बाकी बहुत मजा आ रहा भाई सच में, एक बार जरूर आना, मेरा बहुत मन था यहाँ पर आने का। मन जो था ना कि भाई ऐसे ऐसे मंदिर होंगे, होता ना एक्सपेक्टेशन बहुत होती है जगहों से, वो एक्सपेक्टेशन मेरी खड़ी उतरी। सो मजा आया मेरे को बहुत घूमने में यहाँ पर। तो आगे मंदिर है, टिकट विकेट का मुझे नहीं पता, अभी देखते हैं। टिकट है फ्री है? फ्री है। तो टिकट नहीं है भाई, फ्री है सूर्यदेव मंदिर। ठीक है भाई, मुझे खुद भी। और भाई गर्मी बता कितनी है? गर्मी बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। देखो पसीने, देखो मम्मी। आना है तो इसमें आ रहा है चाहिए फरवरी और जनवरी में। जनवरी फरवरी में आना चाहिए भाई, आना है तो ठीक है, क्योंकि बहुत गर्मी है। और सामने मंदिर है, जल्दी चलते हैं। जल्दी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे इस मंदिर के बाद वापिस जाना जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने। जगन्नाथ जी कम से कम 1 घंटा लगेगा जाने में। अभी टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं, मतलब 50 हो रहे हैं, 11 ही बज मान लो, 11 बज चुके हैं और जाना 1 घंटा। जल्दी जल्दी मंदिर मत अड़केंगे, उसके बाद सीधा पहुंचेंगे हम जगन्नाथ मंदिर दर्शन करके। 1 बजे वहां से निकल के ट्रेन में बैठना है, 3 बजे की मेरी ट्रेन है वैद्यनाथ मंदिर की। तो ये ट्रिप भाई बहुत बढ़िया होने वाला है, तो वैद्यनाथ जी के भी दर्शन करवा दूंगा और उसके बारे में पूरी डिटेल दे दूंगा। बाकी सन टेम्पल ये है, सन अच्छा कुछ है अंदर पर वो देखना नहीं है गाइस, जाना है आपको जा सकते हो अंदर। इसकी टिकट भी है, फ्री है टिकट है, फ्री है। अच्छा 50 रुपीज की है टिकट अंदर। म्यूजियम बना पड़ा सन टेम्पल टाइप कुछ, तो जिसको जाना भाई जा सकता है, हमारे पास टाइम नहीं है वरना तो चले जाते अंदर भाई। नंगा नंगा वगैरह टिकट काउंटर, टिकट है शायद अंदर जाने की, वहाँ से टिकट मिल रही है। तो अंदर जाने की टिकट नहीं है पर टिकट मिल रही है, वो आपको पता ही है लूटने का काम। तो अंदर जाने की कोई टिकट नहीं है, आप सीधा जाते रहो मंदिर की तरफ, सामने मंदिर है, चलते हैं। फोटो खिंचवाने के लिए भी पैसे भाई खिंचवाने तो खिंचवा लेना, चलो मैं ले लीजिए। चलो टाइम नहीं है, जगन्नाथ जी के जाना है तो दर्शन करना है वापस जगन्नाथ जी के। आज वाली फोटो खिंचवाऊंगा बॉडी वाली। तो भाई सीन हो गया कि टिकट अंदर जाने की, तो हम कोई अंदर नहीं जा रहा मेरी फैमिली से, कह रहे हैं टिकट देखिए अंदर जाएगी 40-50 रुपये की टिकट है, इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ फिर। तो जल्दी भागते टिकट लेके आते, और मैं भी इसलिए जा रहा हूँ कि आप लोगों को दिखा सकूँ कितनी दूर आया हूँ, तो जमना बनता है। तो जय श्री राम, और सूर्य देव भी भाई गुस्सा ना मान जाए, इसलिए भी मैं अंदर जा रहा हूँ। जी जगन्नाथ जी, टिकट यहाँ से मिल भाई 40 रुपये। अंदर जाने का मन नहीं है, बस तुम्हारे लिए अंदर जा रहा हूँ, टिकट देख लो, चलते हैं। और भाई पार्क अच्छा है, यहीं आके बैठ जाओ, इसकी कोई टिकट नहीं है, टिकट में बस। मैं कह रहा 5 मिनट एक ही बंदा। सो भाई एंट्री हो चुकी है, शुरू में आपको ये देखने को मिलेगा, बाकी अंदर चलते हैं। सो आपको दिखाता हूँ क्या क्या पहले। सो ये पूरा लुक है यहाँ का अंदर का, ये देखो, इसको वीडियो को पॉज करो फिर देखो, वीडियो पॉज करो फिर देखो, बाकी इंग्लिश वाले बंदों के लिए वीडियो पॉज करो ये देख लो। सो ये रहा भाई मंदिर। सो भाई हाथी के ऊपर क्या कलाकारी करी हुई है ना, हाथी के ऊपर कुछ है। सो भाई बुड्ढे अंकल की थोड़ी दिक्कत है। भाई क्या क्या बने पड़े देखे ना, क्या बारीकी से भाई काम हो रखा है, क्या बढ़िया चीज है यार।
और इस साइड भाई बहुत सारी चीजें हैं दिखाने के लिए। देखो पूरा देखो कितना बड़ा है भाई सूर्य मंदिर, कितना बड़ा मंदिर है यार ये। सो यहाँ से हमने एंट्री लिया, बाकी तो हम पैलेस पर आम में ही आए, अंदर भी कुछ है उधर भी कुछ है, तो यहाँ चलते हैं। सो यहाँ आ गए, हाथी बने बड़े देखने यार, उधर ऊपर जाना अलाउ नहीं है और ये भाई बत्तरों से बंद कर दिया गया किसी कारण। तो यहाँ से उतरते हैं पहले यार, चढ़ना उतरना बहुत है यार। और यहाँ देखो क्या क्या मूर्तियाँ बनी पड़ी है भाई, कितनी सारी मूर्तियाँ बनी पड़ी पुराने भाई, और ये पत्थरों में कैसे बनाई गई है इतने बड़े पत्थर पे, सोचने वाली बात है। सो भाई सूर्य भगवान जी का मंदिर है ये। सो भाई ये ना मंदिर, और उसको बंद कर दिया गया किसी कारण, देखो अंदर पूरा बंद है पत्थर से, और एकदम रोशनी वहाँ व्यू आती है उस पार से, यहाँ ऊपर जाना अलाउ नहीं है तो यहीं से देख लो भाई। सो मैं इतनी दूर आया था, मैंने सोचा यार एक बार मंदिर तो आना ही चाहिए, अंदर तो आना चाहिए, अब 40 रुपये क्या देख रहा है, इतना खर्चा करके आया है तो मैं इसलिए अंदर आ गया। बाकी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है, मैं गाइस आपको दे नहीं पा रहा उसके लिए दिल से सॉरी, वरना मैं गाइड करता उसको करता हर सारे हम आते तो अंदर, पर कोई नहीं ऐसे देख लो। वो भी आर एस से थोड़ा पूछ लेता हूँ कि भैया कैसे अलाउड है, क्या कैसे मतलब क्यों बंद करा हुआ है, थोड़ी सी बात बता देता हूँ। पानी पी रहा भाई बैठ के। सो इसके बारे में कुछ जानकारी भाई आ रहे हैं वॉचमैन भैया, उनसे पूछिए क्यों बंद है बस। अभी कलाकारी देखो भाई पत्थर पर कितनी बड़ी, किसने बनाया यार ये बंदे ने, बहुत जानकारी है इसके चक्कर में भाई। कभी अगली बार जगन्नाथ जी ने बुलाया ना तो पक्का ही सब आके आपको पूरी जानकारी दूंगा वीडियो में। बाकी भाई आ चुके हैं, भैया बंद क्यों है पता कुछ है, ये बंद किया कुछ पता है, पुराना है कैमरा के सामने। अच्छा नहीं आपको रिकॉर्ड नहीं करता इस तरह का कैमरा। भाई भैया से पूछा वो कह रहे थे थोड़ा वीडियो में नहीं आना चाहता, उन्होंने ये बताया कि मंदिर इसलिए बंद करा गया है क्योंकि इतने बड़ा मंदिर अगर खराब हो जाए टूट जाए गिर जाए, इसलिए खराब ना हो इसलिए उन्होंने पत्थर लगा दिया, क्योंकि अंदर ना खोखला हो रहा है जिससे मिट्टी पत्थर वत्थर गिर रहे थे, इस कारण इसको बंद करके रख दिया है। उसके बारे में और भी जानकारी होगी वो मुझे पता नहीं है, ना मैंने गाइड करा था, भैया ने इतना बताया उतना मैंने आपको बता दिया कि अंदर गिर रहे थे पत्थर वत्थर। बाकी एक बार हम पीछे चलते हैं जल्दी 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 बता दूंगा आपको जो जो यहाँ पर है। ये टाइम देखने के लिए है, जैसे टाइम देखता है ना ये टाइम दिखाते हैं वो है, ये देखो ऐसा नहीं लग रहा रथ है कोई बड़ा सा, इतना बड़ा महल लग रहा रथ है। इसकी भी भाई कुछ जानकारी है, मैं भाई बहुत माफी चाहता हूँ मैं जानकारी नहीं दे पा रहा आपको, बट कह रहा हूँ जितना मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। बाकी पीछे देखो तुम्हारे को पूरा चारों तरफ दिखा रहा हूँ, भाई बहुत पुरानी पुरानी मूर्ति है। सो रेनोवेट हो रहा है पीछे पूरा, देखो ये बता रहे पेन से आप लोगों ने घंटा पे मिनट व्यवहार करती है माँ, वो जमान से मिनट ही नहीं था पॉल, सारे के पॉल होते 3 मिनट, वो जमान से मिनट ही नहीं था पॉल। ये जो सेंटर देखिए अलग हो गया है ना, ये जो डॉट है ना हर सेंटर से हर सेंटर 60 गुलिया 60 डॉट, प्रत्येक सेंटर से प्रत्येक सेंटर 60 डॉट, तो 1 डॉट फ्रॉम 3 मिनट्स। ओके तो देखिए 6, 7.5, 9 आप इसको काउंटिंग के 10:30। ओके अभी कितना डॉट का आप लोग ये आदमी पहले आपको देखा था, एक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 इंटू 3 33
33 भाई समझा रहे हैं, बल्कि मैं कहता हूँ टाइम नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। दो चार छः आठ दस बारह तेरह, तेरह तेरह के 39, 39 साढ़े दस, 11:09 होगा, 9:11 अरे एक दो मिनट इधर होगा, ऐसे हिसाब से पहले समय नहीं होता था, इसको सूर्या घड़ी बोलता है। ये बाजू में मिलेगा September 23 टू March 21 एंटी क्लॉक वाइज, वो बाजू में मिलेगा March 21 टू September 23 क्लॉक वाइज। सुनो ये मंदिर को तीन भाग में बनाया, ये नीचे वाला बच्चों लोगों के लिए खेलने का चीज हाथी घोड़ा, और बीच में दूसरा मूर्ति लगाया काम शास्त्र का युवक लोग के लिए, ऊपर में भगवान का मूर्ति वयस्क लोग के लिए, बाल्य युवा वृद्धा चाइल्ड यूथ एंड ओल्ड जस्ट लाइक ह्यूमन लाइफ, आदमी के साथ मंदिर को कंपेयर किया है। आइए भैया ने बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू सो मच भैया को, बाकी टाइम बताया उन्होंने एकदम परफेक्ट, वो थोड़ा छाता ऐसा उल्टा उठता था तो टाइम एकदम सही बताया 11:09। तो पूरा मंदिर दिखा दिया मैंने आपको जितना मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, बाकी बहुत बड़ा मंदिर है, पूरा घूमना पड़ेगा, धूप भी ज्यादा हो रही है, मुझे जाना भी है, बाकी यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है, यहाँ देखते क्या है। बाकी मंदिर ये रहा पूरा सूर्य मंदिर, ये क्या है छाया देवी मंदिर, छाया देवी मंदिर में देखते क्या भाई, क्या भाई कुछ सुन रहा है? अच्छा अच्छा ओके ओके भाई ने ऐसे खड़ा बता, मुझे लगा कुछ सुन रहा है, अंदर कोई चीज है, तुम ऐसे खड़ा भाई सुन रहा है कुछ, कह रहे नहीं नहीं ऐसी है। छाया देवी मंदिर है भाई ये, तो जय माता दी। तो मंदिर है कोई, मंदिर है कोई, इसके दर्शन हो रहे हैं। सो मंदिर देखने के लिए आपको पूरा खुद आना पड़ेगा और एक गाइड करना पड़ेगा, गाइड 200-300 रुपए लेगा, 200 रुपए लेगा बस, तो आपको पूरी जानकारी देगा इस मंदिर के बारे में कि यहाँ पर क्या है, कैसे होता है, क्यों है, क्या क्या कब क्या, सब डिटेल दे देगा वो बंदा। तो प्लीज एक बार यहाँ पर विजिट जरूर करना मेरे कहने से, पर थोड़ा ठंड में आना क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, मेरे से तो सहा भी नहीं जा रहा इतनी गर्मी है। सो ऐसे बहुत सारी घड़ियां बनी पड़ी यहाँ पर, देखो इसकी सर इधर थोड़ा नजर करिए, देखो ये भी कुछ बता रहे हैं, तो कोई ना कोई ना कुछ कुछ बता रहा है, और ये थोड़ा रेनोवेट हो रहा है तो थोड़े 2 साल में ना मंदिर खुल जाएगा, वो भैया ने बताया कि 103 साल से बंद है और ये अब 2 साल में खुल जाएगा मंदिर अंदर दर्शन करने के लिए, अभी दर्शन करना अलाउ नहीं अंदर जाके, तो ये 2 साल में आपको दर्शन करने को मिल जाएगा। तो चलो दर्शन हो गए हैं, घूम लिए हैं, आप चलते हैं वापस अपनी जगह पे, क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो रहा है और मैं थोड़ा काला भी हो गया होंगे, पसीने आ रहे होंगे, बड़ा मुँह गंदा लग रहा होगा इस वक्त मेरा, और थोड़ा आवाज़ भी ख़राब हो रखी है, मतलब पूरा ही ख़राब हो रखा हूँ, वीडियो क्या है बोलूँ मैं, जय श्री राम। सूर्यदेव मंदिर गाइस, पवन देव जी चल गए भाई इतनी प्यारी हवा में, जय पवन देव। ऐसे मैं आया था वहां से नहीं जा पाऊंगा, पर एक फोटो खिंचा लेता हूँ वहां पर खड़े हो गए, बाकी निकास यहाँ से है। सो थैंक यू सो मच भाई को, वीडियो बनाई भाई ने, बाकी यहाँ से हम बाहर लेते हैं, सारे वेट कर रहे मेरा बाहर। सो मंदिर दिखा दिया मैंने आपको, और मंदिर की भाई सबसे बढ़िया चीज लगी कलाकारी, ये बनाया कैसे पे पत्थर पे यार, इतने बड़े पत्थर पे पत्थर इतना भारी होगा, उसमें कलाकारी करना, सलूट है भाई हमारे पूर्वजों को जिन्होंने ये करा काम। चलो सो बाहर जाने की ये है, यहाँ पर भाई मंदिर भी है छोटा सा, मंदिर के दर्शन कर लेते हैं जिसकी पूजा हो रही है। नौ ग्रह होते ना उसका मंदिर है ये, पूरे नौ ग्रह के भगवान बने हुए अंदर। सो नौ ग्रह का मंदिर है गाइस ये, बाकी यहाँ पर आप प्रसाद वर्षा चढ़ाइए, जिसको अपने नौ ग्रह की पूजा करवानी होती है ना वो वहाँ पर यहाँ पर अंदर आके पूजा करवा लेता है। बाकी मैंने चप्पल हाथ में ले लिया क्योंकि भाई मेरे पैर में बहुत चुभ रही है, मेरी चप्पल साइड में से मेरे पूरे ना पैर छिल गए हैं, बाकी सारे बाहर चले गए हैं, मैं भी बाहर जा रहा हूँ। और भाई मंदिर की टाइमिंग है शाम के 7 बजे तक, 7 बजे के बाद ये मंदिर बंद हो जाता है, 50 रुपये की 40 रुपये की एंट्री है और फॉरनर के लिए 600 रुपये, तो अच्छी बात है खाओ उनसे, ये हमारा कोई नहीं लेके गए हैं। सो बाकी चलते हैं, मम्मी उस पार से उस पार मिलेगी, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, और तो गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसके अलावा बता दूँ कि थकान हो गई है, पानी भी नहीं पिया ना, दिमाग ख़राब हो गया। सो मार्केट बनी पड़ी यहाँ पर पूरी, बाहर निकलते आती पूरी मार्केट है, देखो वहाँ से लेके वहाँ तक यहाँ भी पूरी मार्केट है, तो मुझे इस समझ जाना, मुझे जाना कहाँ है, इस साइड है शायद, हमें चप्पल बहुत काट रही है, मेरे को मैंने चला नहीं जा रहा, ये निशान देख रहे हो,
वो भाई गर्मी हुई है भाई, भाई भाई बहुत गर्म है। ओ माय गॉड, तत्ती धूप का गर्मी का मौसम आया, धूप की गमोरिया लाया, आए मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का ठंडे ठंडे गर्मी। भाई इस जगह पे ना सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, आप जब भी आओ शाम को आना क्योंकि बहुत गर्मी है। मेरे तो सूर्य देवता है ना, सूर्य देव जी का मंदिर देखने आया और उन्होंने मुझे पूरा जला दिया है। मुझे तो लग रहा है भाई मैं निगर होकर जाऊँगा यहाँ पर, इतना काल हो जाऊँगा कि मुझे कोई पहचाने नहीं मेरे दिल्ली में। और दिल्ली में तो इतनी प्यारी बारिश हो रही है, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वहाँ कैसा मौसम है, मैंने कहा भाई बहुत गर्मी है, उधर कह रहे भाई इधर तो बारिश हो रही है मस्त वाली। तो यार दिल्ली का जाने का दिल कर रहा है, बाकी जगन्नाथ जी के पास आना तो जगन्नाथ जी के पास से जाने का दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा बार बार दर्शन करते रहूँ। तो अब सीधा दर्शन करने जा रहे हैं। सो जल्दी हो गया हमारा काम, अब चलते सीधा जगन्नाथ। भाई हालत टाइट हो गई, पैर ऐसी की तैसी हो गई, पैर की हालत देख लो। मतलब इस गर्मी के अंदर मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ से लेके वहाँ तक मंदिर तक चल के दिखाओ, हम मंदिर के दर्शन करके आए मुझे पता कैसे। और ये 56 भोग का प्रसाद लगता है भगवान जी को, उसका प्रसाद है तो जो हम मंदिर से लेके आए स्पेशल दिखाने के लिए। हाँ ये बात है कि अंदर ना पैसों का मिलता है, 100 रुपये का है, फ्री का प्रसाद नहीं होता, अंदर पैसे मिलता है। बाकी मेरी आवाज़ देखो, हमें पता नहीं था कि दर्शन होंगे और जगन्नाथ जी ने जो दर्शन दिए ना गाइस, मैं बता नहीं सकता हूँ कहानी। भाग रहा था मैं पागल की तरह, मासी मेरी ये हम भाग रहे थे कुत्तों की तरह। फिर निक्कर वाली बात आ गई कि निक्कर में अलाउड नहीं है, मैंने मासी की चुन्नी ली, चुन्नी बांध ली, चुन्नी वो भाग रहे हैं, गर्म पैर, पैर की हालत जड़ गई। ये देखो दिख रहे हमारा देखो पैर की, भाई जो भाग रहे थे ना मुझे पता कैसे भाग रहे थे, इतना जल रहा था भाई, रोने वाली हालत थी। उसके बाद भी दर्शन जो हुए ना भगवान जी के, चिल्ला चिल्ला के गला खराब हो गया, इतने प्यारे दर्शन हुए हैं। बाकी जय जगन्नाथ जी, अंदर का प्रसाद खाते हैं तो फिर ट्रेन में बैठते हैं, बाकी जगन्नाथ जी के दर्शन कराए हम। सो भाई ट्रेन पे आ चुके हैं, ट्रेन लेते हैं वरना छूट जाएगी और मुझे कोई गीत बजाने नहीं आएगा कि मेरी ट्रेन छूट जाए और मुझे शाहरुख खान नहीं आएगा उठाने, मुझे हाथ पकड़ ले। तो चढ़ चुके ऊपर और बहुत देर में चढ़े, बाकी हमारी चलेगी 3:55 पे, अभी है 5:10। सो भाई चल गई हमारी ट्रेन, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जी का बाय बाय, पर मन नहीं कर रहा जाने का भाई, सच्ची कह रहा हूँ, दोबारा बुलाना बाबा, जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ। पैसे कौन लेगा मेरे हाथ से, 55। जय जगन्नाथ। भाई यार दिल्ली कर रहा है, सच में कह रहा हूँ, अंदर अजीब सा हो रहा है यार, दिल्ली कर रहा है सच में जाने का। सो भाई जब जा रहे थे ना तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा था, दिल कर रहा बस रुक जाए, कोई रोक ले, पर क्या करे रुक नहीं पा रहा था। पहुंच चुके हैं अपना वेदनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। कितने मंदिर है? 22 मंदिर यहाँ पे है टोटल। अच्छा भाई दर्शन हो गए, वही हाथ देखो, कपड़े की हालत देखो, स्थापित है। अच्छा विद्यापीठ से कहा जाता है यहाँ पे माँ और बाबा एक साथ है। वेदनाथ धाम की।